क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम किस बात से मुझसे नाराज हो? तो तुम्हें ये बात भी नहीं पता, इसके लिए तो तुम्हें सद्बुद्धि नहीं चाहिए ना। ओह, समझ में आया, तुम इस बात से नाराज हो कि मैं उस चुहिया को रंग लगा रहा था है? और कोई इस तरीके से रंग लगाता है क्या? अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस बात से नाराज हो, इस बात से कि मैंने प्रज्ञा को रंग लगाया, या फिर इस बात से कि जिस तरीके से मैंने उसे रंग लगाया? क्या कर रही हो तुम बनु, आज होली है, कम ऑन लेट्स एंजॉय। होली के दिन मैं किसी को भी नाराज नहीं देखना चाहता, जो हुआ उस पर रंग डालो और सेलिब्रेट करते ना होली। मुझे नहीं खेली होली। नहीं खेली मतलब? कम ऑन मान जाओ, अब मान जाओ, वरना वरना क्या? ना मैं चला फुग्गी के पास होली खेलने। अब अभी बोले जाए हैप्पी होली, हैप्पी होली। देख ढोल वाले भी आ गए, चलो एंजॉय करते हैं, कम ऑन। मैं आ गया पूरब, इससे पहले कि तुम होश में आके मेरी बैंड बजाओ, मैं ढोल बजा के तुम्हारी बैंड हमेशा हमेशा के लिए बजाने वाला हूं। अरे सुनी, ढोल वाले आ गए, कुछ नोटों की गड्डी वड्डी निकाली है उन पर लुटाने के लिए। ढोल वाले आए हैं, बारात नहीं आई है जो नोट लुटाने हैं उन पर। होली है होली, रंग लुटा तू, रंग उड़ा। बिल्कुल सही कहा पापा जी। सारी फैमिली बाहर ही है, मुझे बस अब मौका देख के अंदर जाना है और फिर पूरब को खत्म करके यहाँ से निकल जाना है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। We'll be right back.
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक का बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी